तो 16 तारीख को भारत और पाकिस्तान की टीमें तैयार रहने वाली हैं एक दूसरे का सामना करने के लिए, लेकिन क्या मैनचेस्टर का वेदर तैयार रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आज एक्यू वेदर के हवाले से करेक्ट कंफर्म्ड वेदर रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूं मैं, किस तरह का वेदर रहेगा, कब कब पानी गिर सकता है, अगर गिरेगा तो कितने ओवर का मैचेस हो सकता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, एंड तक जरूर देखिएगा। और भाई आप भी वर्ल्ड कप फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। फैन क्लब का हिस्सा बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस समय जब आप एक दिन पहले मतलब 15 तारीख को ये वीडियो देख रहे हैं तो मैनचेस्टर में बारिश हो रही है और पिछले दो दिनों से लगातार रुक रुक कर धीमी और तेज बारिश मैनचेस्टर में हो रही है। लेकिन एक बात क्लियर कट ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जितनी बारिश जो ट्रेंट ब्रिज है वहां पर हो रही थी उतनी बारिश मैनचेस्टर में नहीं हो रही है। लेकिन अब फटाफट अब हम एक्यूवेदर की रिपोर्ट की तरफ चल देते हैं। ये मेरे पास मेरा फोन है और हम एक्यूवेदर की साइट पर जाएंगे। एक बहुत ज्यादा फ्रेमिंग चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो वेदर रिपोर्ट रहेगी ये लगभग 70% सही रहती है। ब्रिटेन में जो भी वेदर रिपोर्ट आती है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट निकलती है। तो ये मेरे पास फोन है और हमारे पास हवरली भी टाइम आ चुका है कि किस तरह से हवरली रहने वाला है। तो भाई चलिए बात करते हैं मैनचेस्टर की आवरली रिपोर्ट की कि भाई घंटों के हिसाब से क्या रहने वाला है। तो सुबह भाई अगर हम बात करें सुबह 8 बजे तक मैनचेस्टर टाइम के अनुसार कोई भी बारिश मैनचेस्टर में नहीं होने वाली है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। लेकिन 8 बजे के बाद से बारिश का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि सुबह 9 बजे के करीब लगभग 51% चांसेस है पानी गिरने के। अब मैनचेस्टर में ये जो मैच है ना भाई ये शुरू होगा सुबह 10 बजे के करीब, तो 9 बजे मेरे हिसाब से पानी गिर रहा होगा अगर हम वेदर रिपोर्ट की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि शायद टॉस में थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन फिर खुशखबरी निकलेगी क्योंकि उसके बाद अगर हम बात करें तो 10 बजे से लेकर 11-12 बजे तक कोई भी बारिश की संभावना नहीं है। मतलब बारिश की संभावना तो है लेकिन सिर्फ 40-42% हल्की फुल्की बारिश की संभावना रहने वाली है 12 बजे तक। तो ऐसा हो सकता है कि 10 से 12 बजे तक हमें थोड़ा बहुत मैच देखने को मिल जाए, क्योंकि 12 बजे के बाद थोड़े से पानी की संभावना यहाँ पर एक्यूवेदर पर दिखाई जा रही है, जिसमें थोड़े से हल्के फुल्के शॉवर्स आ सकते हैं। पानी गिरने की संभावना 12 और 1 बजे के बीच जो निकल कर आ रही है वो है भाई अराउंड 66%, मतलब कि बहुत हद तक चांसेस है कि पानी गिरेगा लगभग 12 और 1 बजे के बीच। उसके बाद भाई बात करें तो 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे मैनचेस्टर में जो टाइम होगा बिल्कुल मौसम खुला रहने के आसार आज की रिपोर्ट के आधार पर निकल कर आ रहा है। मतलब साफ है कि बहुत हद तक मैच हो सकता है, दिन का पूरा मैच हो सकता है, लेकिन फिर शाम को 5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक फिर पानी जो है वो दस्तक देने वाला है। तो ये पानी की लुका छुपी का जो दौर है ना वो बिल्कुल चलने वाला है जो रात तक जारी रहेगा। लेकिन इतना तय है कि 15 और 14 तारीख को जितना पानी गिरा है जो फोरकास्ट आ रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि उतना पानी 16 तारीख को नहीं गिरेगा, जिससे ये चांसेस बहुत ज्यादा बन गए हैं कि ये मैच हो सकता है। अब बात कर लेते हैं यूवी इंडेक्स की। तो यूवी इंडेक्स 4 रहने वाला है। अगर 4 पॉइंट का यूवी इंडेक्स रहता है मतलब बादल बहुत ज्यादा छाए रहेंगे, जिसका सीधा मतलब यह है कि बारिश के चांसेस बढ़ेंगे। अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की तो भाई ह्यूमिडिटी जो निकल कर आ रही है वो रहने वाली है लगभग 50-75% की। और अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, टेक्निकली अगर 60-65-70% से ऊपर ह्यूमिडिटी हो जाती है तो बारिश के चांसेस 90-100% हो जाते हैं। मतलब ये तो तय माना जा रहा है कि मैनचेस्टर में पानी गिरेगा, लेकिन क्या मैच रोक पाएगा इस पर अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरे हिसाब से ये पूरा मैच हो सकता है या फिर कुछ ओवरों की कटौती की जा सकती है। तो होपफुली है, हम तो होपफुली है, आप भी होपफुली रहिए, वेदर का कुछ नहीं कह सकते। और इसी तरह की डिटेल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।